भाई अपने पुराने गेम पॉकेट टाउन का तो जानते कि पॉकेट टाउन का वर्जन आया ठीक है यार। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ पॉकेट टाउन का, नया वर्जन पॉकेट टाउन का। आप इसका म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, इसका म्यूजिक बहुत बढ़िया है। मैं आपके लिए इसका म्यूजिक बढ़ा सकता हूँ, लीजिए मैं आपके लिए इसका पूरा म्यूजिक बढ़ा देता हूँ। इसके म्यूजिक को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा पकड़ टाइम की, जो आपको बहुत आसान पड़ेगी, जिससे आप बहुत आसान से पकड़ करते हैं, तो आप भी जान चाहेंगे कर सकते हैं। देखना होगा एकदम तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको अंदर के बताऊंगा ताकि आपको इतना पता चले कि बैटरी क्या होता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको डायमंड कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, और डायमंड पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मैं आपको सारे टास्क दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री एनर्जी कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि गाइस फ्री एनर्जी बहुत मैटर करती है, फ्री एनर्जी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उससे आप रेड कर सकते हो, रेड करने में 10 इंटू करेंगे तो आपको उससे एक सामान मिलेगा, जो मिलेगा आपको उसको आप यूज़ करके अगर पोकेमॉन निकाल सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपने डायमंड हंट वही आता है, और हंट में आपको बैटल करने से ये फायदा रहता है, आपको पॉइंट्स बढ़ते हैं, और आपको जितने पॉइंट बढ़ेंगे उतनी आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, और रैंकिंग के हिसाब से बाद में वो आपको रिवॉर्ड देगा। उसमें पॉकीबॉल अलग पॉकीबॉल लगती है, वही पॉकीबॉल नहीं लगती आपकी हेल्प में लगेगी पॉकीबॉल की, जो आप पॉकेट में पड़ेंगे वो उधर गिनाएगा लेकिन इधर नहीं गिनेगा, उसके आपको खाली पॉइंट्स मिलेंगे पोकेमॉन नहीं मिलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं हंट खेलने का। इसलिए मैंने हंट से एग्जिट कर दिया, और अब मैं आपके सामने आपको खेल के बताऊँगा। अच्छा मैं आपको पूरे गेम के बारे में बताऊँगा कि पूरा गेम किस खेल सकते हैं, क्योंकि आसान सक्स कर सकते हैं। तो आपको पूरी ट्रिप जाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बस ज़रा सा काम करना है। ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप बहुत बहुत जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उनको दोस्तों को बहुत बहुत बधाई है गुड डे की। दोस्तों वैसे चलो यार, फिर मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से खेल के बताऊंगा, जिस वजह से आपको मज़ा आएंगे, और आपको अगर मज़ा आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। क्या हो रहा भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 2 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर मैं आपको बताऊँगा आप डायमंड कहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास 800 डायमंड है, आप इधर जाएंगे, इधर आप गेम में कोई किसी को भी ऐड कर सकते हैं जो आपका फ्रेंड है, उसको आप इधर ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे इधर मेरे कितने सारे दोस्त आएंगे, वो थोड़े से नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए आने वाले, ये सारे सारे मेरे दोस्त हैं। मैं आपको इनकी टीम दिखा सकता हूँ, जैसे उसके साइन लेवल वाला, आप इसके पोकेमॉन देख सकते हैं, ये देखिए कितने तगड़ा पोकेमॉन है इसके पास, सर इतने पावरफुल पोकेमॉन है। आपको और दिखा सकता हूँ, रिमूव फ्रेंड भी कर सकता हूँ इसके पास, तो आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, और मेरे सबसे छोटा ये 27 लेवल वाला बच्चा है। इसके पास बढ़िया पोकेमॉन था तो मैंने इसको ऐड कर लिया, वरना हमारी टीम में कुछ तो छोटे लेवल का ही नहीं है, मैं कुछ 50 लेवल का हूँ।
चलिए, अब मैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे आपको एक चीज बताता हूँ। आपको इवेंट पे जाना है एनर्जी के लिए, मैंने जैसे एनर्जी की बात कर दी, आपको एनर्जी बताऊँगा आप एनर्जी कहाँ से ले सकते हैं। तो बेनिफिट में जाएंगे फिर आपका जो फ्री एनर्जी का आएगा, तो आप इधर जाएंगे क्लेम करेंगे तो ये क्लेम हो जाएगा। और मैं डायमंड का बताता हूँ, आप इधर जाएंगे उधर जाना होगा, तो सीधे इधर हॉर्नर लिखा हुआ है उस पर जाना होगा। तो यहाँ पे टास्क पढ़ सकते हैं, ये लीजिए टास्क पढ़ लीजिए और उसका डायमंड से देख लीजिए। तो आप यहाँ पे टास्क पढ़ सकते हैं सक्सेसफुली क्या है टोटल ऑफ 200 पकवान, तो मेरे पास 196 पकवान है, 200 बोला है पर 80 डायमंड्स दे रहा है इसके, तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से डायमंड कर सकते हैं, डायमंड की शूज़ ना कर मैं आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपको डायमंड मिल सकते हैं, ग्लाइड। ग्लाइड बहुत अच्छी चीज़ है डायमंड्स के लिए, तो देख सकते हैं ये ग्लाइड का बैटरी है, इससे आपको 20 डायमंड्स आपको मिल जाएंगे। और फिर रीसेट करना आपको बैटरी को, आप पानी देना चाहे तो पानी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 9500 है, अब मैं 3 बार करूँगा जाके वो चीज़ जिसके लिए डायमंड यूज होगा, तो देख सकते हैं इसको 3 बार ही बाय करूँगा, 323 बार ही बाय होता है। आपको दिखाऊंगा कि मेरे को क्या मिला है, ये मिला है मेरे को। अब मैं 2 बार और करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि गाइज मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करिएगा प्लीज़। तो किसी और गेम पे बनानी है तो आप उसके लिए भी कम, उसके लिए भी आप कर सकते कम है, फिर मैं उस गेम पे बनाऊंगा वीडियो। तो आप बस आपको कमेंट करना है कि इस गेम पे आपको वीडियो बनानी चाहिए, इस गेम पे बनानी चाहिए, आपको ऐसा कमेंट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये टिकट किस कहाँ आता है, ये देख लीजिए। आपको इधर पकवान दिख जाएंगे, आपको इधर पकवान दिख जाएंगे, ये आपको चेस्ट मिल सकते हैं, जेप्टॉस ये सब, ये आप देख सकते हैं ये SSR हैं, जो SSR वो सारे महंगे हैं और स्टोर पे सबसे ज़्यादा महंगा हो पाया है। आप देख सकते हैं काय हो गए, ये है मेरे पास, मैं भी सोच रहा हूँ कि RCS निकाली, क्योंकि अभी मेरे पास 600 पड़ी हुई है फ्री की, मैं सोच रहा हूँ कि RCS को निकालूँ, और अगर RCS को निकालूंगा मैं आपको RCS दिखा देता हूँ, RCS कौन है। ये देख लीजिए गॉड है पोकेमॉन का बादशाह। आज वीडियो को यहीं एंड करता हूँ।